अब मेरे कदम मुझे ले चले नमामि गंगे की तरफ, उस 125 साल पुराने नाले की तरफ जो कुछ महीनों पहले तक एशिया का सबसे टॉक्सिक यानी सबसे जहरीला नाला था, मगर अब जो काम यहाँ हुआ है वो एक इतिहास बना है। ये कैसे हुआ वही जानने मैं पहुंच गया। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये आने वाले कल में उन जगहों में से एक है जो उस सकारात्मक सोच को जन्म देती है कि अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हालात बदल सकते हैं। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा। तो आप बताओ पहले कि हम कहाँ हैं इस समय? इस समय हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जो एक इतिहास बन गया है। ये जगह है सीसामऊ नाला। ये इतिहास इसलिए है, ये 125 से भी ज़्यादा साल पुराना नाला है और ये एशिया का सबसे बड़ा नाला है जो हमारी गंगा माँ को अपवित्र कर रहा था, जो सीधे जो है गंगा में गिरता था। करीब 14 करोड़ लीटर पर डे डिस्चार्ज, 140 MLD। 14 करोड़ लीटर पर गंदा पानी, गंदा कचरा जो हमारा स्वेज वेस्ट होता है वो हर रोज गंगा में जा रहा था, डायरेक्ट गंगा में जा रहा था। ओके, हम लोगों ने प्रयास ये किया इसको अविरल और निर्मल बनाने के लिए। हम लोगों ने एज अ इंजीनियरिंग वे में प्लानिंग करी, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। हम लोगों ने इससे पहले एक जगह है बकर मंडी, इसको बकर मंडी पे आधा रोका, करीब हमने 80 MLD डिस्चार्ज वहां पर रोका और 60 MLD रेस्ट डिस्चार्ज हमने इस पॉइंट पे आके रोका जहां हम खड़े हुए सीतामढ़ी में। यहां पर हम 60 MLD को जो है यहां से डाइवर्ट कर रहे हैं, जो ये हमारा फ्लो आ रहा था इसको हमने स्टॉप किया, गेट लगाए, इसको डाइवर्ट किया। जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है यानी जो बहता हुआ कचरा आता है उसको हमने निकाला मैनुअल स्क्रीन से। आगे हमने एक पंप हाउस बनाया, वहां पर हमने पंप लगाया, अगेन फिर से हमने इसको जो छोटा मोटा पार्टिकल्स हैं उसको फिर से हमने वहां पर स्टॉप किया मैकेनिकल स्क्रीन से, मैकेनिकल प्रोसेस से। फिर इसको हम हमारा पहले से बना 130 MLD STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जाजमऊ में जो बना हुआ है, हम इसको सीधे वहां ले गए, वहां हमने इसको ट्रीट किया, इसको साफ किया, उसके बाद हमने इसको गंगा में डाला। अभी हम आपको नेक्स्ट स्टेप में वहां ले चलेंगे जहां पर ये बिल्कुल एक ह्यूज अमाउंट में तेजी से गिरता था, आज की डेट में वो बिल्कुल जीरो हो चुका है, बिल्कुल सूख चुका है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है मैं समझता हूँ। नमामि गंगा के तहत बने 200 MLD का पंपिंग स्टेशन और STP गंगा के सफाई अभियान का आखिरी पड़ाव होता है, क्योंकि यहीं पर फाइनली गंगा को प्रदूषित करने वाला कचरा साफ किया जाता है और गंगा के पानी को एक बार फिर स्वच्छ कर उसे वापस नदी में डाला जाता है। इसके अलावा एक कॉमन ट्रीटमेंट एफ्लुएंट प्लांट टैनरी वेस्ट को टैकल करने के लिए भी बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश क्या नहीं कर सकती, मन में लगन हो, आंखों में हो आशा, तो फिर 125 साल पुरानी गंदगी को भी दूर किया जा सकता है। और यही कमिटमेंट मुझे यहाँ देखने को मिला। ये पीछे नाला, सारा खतरा यहाँ आता था, ये पूरा फ्लो यहीं पर आके गिरता था। ये चैनल जो बना हुआ है, इसी जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है इसमें, इतना हमारा पानी आता था, जो 14 करोड़ लीटर हम बता रहे हैं पर डे का, वो यहीं पर इसी चैनल से गिरता था। ये कितने साल पहले तक गिरता था? ये तो 125 साल पुराना है, तो जब से गिरी आ रहा था ये। अभी हमने इसको टैप कर दिया है, करीब नवंबर दिसंबर में हमने इसको टैप कर दिया, दिसंबर से आना बिल्कुल बंद हो गया। 24 घंटे बहता था? 24 घंटे चलता था, 24x7। बाप रे, और ये नदी जाती सीधा प्रयागराज की तरफ? सीधा प्रयागराज की तरफ। त्रिवेणी संगम में रोज 14 करोड़ लीटर कचरा एक नाले से। और भी नाले? और भी छोटे छोटे काफी नाले, ये सबसे बिगेस्ट। आप मुझे बता रहे थे कि और भी नाले आपने बंद कर दिए? 5 नाले इसके साथ हमने बंद किए। धरा पर जब से ये बह रही है। तो इस बार गंगा का पानी कानपुर से मैं उस जगह से ले रहा हूँ जहाँ पर ये सीसामऊ नाला 14 करोड़ लीटर कचरा रोज डालता था। तो इस बार की याददाश्त इसी जगह से। जानते हैं, इस नाव के नाविक मुझे बता रहे थे कि अगर 1.5 महीने पहले मैं ये पानी इसी गंगा से लेता, इसी जगह से लेता, तो ये पानी बिल्कुल काला नजर आता, इतना प्रदूषण था इस पानी के अंदर। बहरहाल प्रथा पूरी करते हैं।